आरबीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है हमेशा की तरह। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप सबके लिए खबर चुन चुन के लाने में, तो आप भी आपका प्यार एंड सपोर्ट दिखाते हो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ही लो, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। बड़ा ही मजा आने वाला है, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं ट्विटर से। ट्विटर के जो ऑनर है एलन मस्क, को कुछ न कुछ डेली हरकतें करते रहते हैं। पहले उन्होंने कुछ ट्विटर के कर्मचारियों की छटनी कर दी, और अब जो बचे हुए कर्मचारी है उनको एक मेल भेजा हुआ है जहां पे लिखा है कि उनका जो वर्क फ्रॉम होम है वो पूरी तरीके से बंद हो रहा है, इस बात का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, और ये जो वर्क फ्रॉम होम है उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आगे वाला वक्त जो है वो और भी मुश्किल हो सकता है आप सभी के लिए। और अब इस बात से तो यही लग रहा है कि जो ट्विटर के कर्मचारी है उन सभी को वर्क फ्रॉम होम करने की कोई भी इजाजत नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ उनसे उम्मीद भी की जा रही है कि उनको 40 घंटे एक सप्ताह के अंदर काम करना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बाद दुनिया भर की कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत की थी, और गूगल समेत कई सारी कंपनियों ने इसे परमानेंट करने को कहा था, जो कि काफी चर्चा में भी रहा था। पर इसके बाद कई कंपनियों ने इस फैसले को बदल दिया। अब देखते हैं एलन मस्क की ओर से ट्विटर को लेकर और कौन से बड़े फैसले हमें देखने को मिलते हैं। डीजो ने अपनी एक ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच डीजोरी प्लस को भारत में लॉन्च कर दिया है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1.85 डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही साथ 515 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, 300mAh बैटरी, 14 डेज बैटरी लाइफ मिलेगी, 110 प्लस वॉट्स मोड मिलेंगे, 150 प्लस वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, 380 वाटर असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको हार्ट रेट सेंसर मिलेगा और SPO2 मॉनिटरिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये स्मार्ट वॉच आपको मिल जाएगी 1999 रुपीज में। जी हाँ, इस स्मार्ट वॉच को आप फ्लिपकार्ट से 15 नवंबर के दोपहर के 12 बजे से खरीद सकते हो। गूगल की पिक्सल सीरीज हाल ही में लॉन्च की गई है, पर अगले साल लॉन्च होने वाले पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो के बारे में बातें होना शुरू हो चुकी है, और दोनों ही स्मार्टफोन के कोड नेम लीक हो चुके हैं। जी हाँ, विन फ्यूचर की रिपोर्ट के अनुसार पिक्सल 8 का जो कोड नेम है वो सीबा हो सकता है, और पिक्सल 8 प्रो का कोड नेम हस्की हो सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि गूगल सीबा डिवाइसेस में फुल HD प्लस रिजोल्यूशन डिस्प्ले को यूज कर सकता है, हालांकि हस्की डिवाइसेस में वो 2K रिजोल्यूशन डिस्प्ले को यूज कर सकता है। कोड नेम और डिस्प्ले रिजोल्यूशन के अलावा इन दोनों स्मार्टफोन के SoC के बारे में भी जानकारी सामने आई है। विन फ्यूचर ने दावा किया है कि नए गूगल प्रोसेसर का कोड नेम जुमा है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो जुमा प्रोसेसर है वो सैमसंग द्वारा बनाए गए एक्सिनोस 2300 का एक कस्टमाइज वर्जन है, जिसमें जुमा SoC को मशीन लर्निंग और AI के मामले में ऑप्टिमाइज किया गया। तो देखते हैं गूगल पिक्सल 8 सीरीज की कुछ और लीक्स कितनी जल्दी सामने आती है। OnePlus बहुत टाइम के बाद हमारी खबरों में आया है। OnePlus अपनी Nord सीरीज में एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो चुकी है। उसके अनुसार इस फोन में आपको 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेट देखने को मिलेगी, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, ऐसे दो वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर में देखने को मिल जाएगा। ये OnePlus का एक पहला ही फोन होगा जिसमें हमें 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, और 2+2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा जो कि एक डेप्थ होगा और एक माइक्रो सेंसर होगा। जी हाँ, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा, 5000mAh बैटरी, 67 वाट फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगा। अगर इसकी कीमत की बात करें तो कहा जा रहा है 25,000 रुपए से भी कम कीमत में ये हो सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल इस फोन की लॉन्च डेट को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। Asus ने आखिरकार अपना एक फोल्डेबल लैपटॉप Asus ZenBook 17 Fold OLED भारत में लॉन्च कर दिया है, और ये जो लैपटॉप है वो दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। अगर इसके कुछ की स्पेशल के बारे में बात की जाए तो इस लैपटॉप में आपको 17.3 इंच की एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि फोल्ड करने के बाद 12.3 इंच की हो जाएगी, और डिस्प्ले के साथ आपको एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग भी दिया गया है। 12 जेन इंटेल कोर i7 1250U CPU देखने को मिलेगा, 16GB LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी, और इसी के साथ 1TB M.2 स्टोरेज, इंटेल आईरिक्स XC ग्राफिक्स, वाईफाई 6, हरमन कार्डेड क्वार्ट स्पीकर विद डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिलेगा इसमें, और इसमें आपको AI सपोर्ट वाला वेबकैम और Asus ErgoSense ब्लूटूथ कीबोर्ड भी मिलेगा। इसी ब्रांड न्यू Asus ZenBook 7 Fold OLED की कीमत की बात करें तो 3,29,990 रुपए रखी गई, और अगर आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हो तो Asus Store, Flipkart, Amazon, Chroma और Reliance Digital से खरीद सकते हो। WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लेके आ गया है जिसका नाम है सेल्फ चैटिंग फीचर, और ये फीचर अभी फिलहाल बीटा यूजर्स के लिए,
बहुत ही जल्दी इसका स्टेबल वर्जन सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर ये फीचर की बात करें तो इसमें जो यूजर है वो खुद को ही मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, और ये बहुत ही काम की चीज है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई मैसेज वगैरह ढूंढना ना पड़े, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना ना पड़े, हम किसी और को शेयर करते हैं, पर वो चीज अब हम खुद से ही शेयर कर पाएंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इस फीचर की मदद से आप मैसेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट खुद को ही सेंड कर पाओगे। अगर इस फीचर को यूज करना है तो वो बहुत ही आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। जहां पे हमें व्हाट्सएप के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाते ही वहां पे हमें क्रिएट चैट का एक ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे सेल्फ चैट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी फिलहाल नहीं अवेलेबल होगा, बट जैसे स्टेबल वर्जन आ जाएगा सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि आपको ये व्हाट्सएप का सेल्फ चैटिंग फीचर कैसा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर से बताओ। काम के दिल की बात करें तो डेंगू एंड चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों से आप खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो ये जो डिले वो आपके लिए काम की होने वाली। सैम्प्री के तरफ से आने वाला एनएक्स इको फ्रेंडली मॉस्किटो किलर ट्रैप लैंप, और ये जो डिवाइस है उसमें खास तरीके की लाइट लगी होती है जो कि ब्लू लाइट होती है, और ये जो मच्छर है उनको वो अट्रैक्ट करती है, और जैसे ही ये जो डिवाइस है उसके पास मच्छर उनकी रेंज में आ जाता है तो वो तुरंत से डिवाइस में लगा हुआ पावरफुल फैन मच्छर को अपने और खींच लेता है और उनका खात्मा कर देता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा डिवाइस है। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा 699 रुपए में। बहुत ही काम की चीज है ये और ज्यादा जगह भी नहीं रोकती है, तो अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप जरूर से इसे चेकआउट कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें तो असिस्टेंट क्रिएट वर्ल्ड वॉर 2, जी हाँ, इसका बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट रेडी किया है, और इसका वीडियो देखकर तो मैं खुद शॉक हो गया। और ये जो वीडियो बनाया है वो टीजर प्ले ने बनाया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर अनरियल एंजिन 5 का यूज किया गया है और रे ट्रेसिंग का सपोर्ट लिया गया है, और क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये एक फैनमेड प्रोजेक्ट है, यूबीसॉफ्ट को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, वो उनके अपकमिंग गेम असोसिएशन ग्रिड इनविक्टस पे काम कर। सोचिए जिसने ये वीडियो बनाया है उस बंदे ने या फिर उनकी टीम ने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। क्या आपको असोसिएशन ग्रिड गेम पसंद है? अगर आपको पसंद है तो आपको कौन सा टाइटल सबसे बेहतर लगा है नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक्निक्स पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।